अब दुनिया के इलेक्शंस में भी इंडिया की बात की जा रही। যে নেতারা এখন বলছেন ভারতীয় পণ্য বর্জন করেন, তাদের বউদের কয়খানা ভারতীয় শাড়ি আছে? তাহলে বউদের কাছ থেকে সেই শাড়িগুলি এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছে না? इस वक्त बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें शेख हसीना ने अपने ओपोनेंट्स को जो है ना वो उड़ा के रख दिया, क्योंकि उनके ओपोनेंट्स कैंपेन इंडिया आउट चला रहे। शेख हसीना वाजिद जो है उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी लीडर्स को ये कहा है कि अपनी बीवियों को जला दो, क्योंकि जो बीएनपी है वो कह रहे हैं कि इंडियन साड़ीज का बायकॉट करें। 52 साल गुजर गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कहां हम कहां वो। उन्होंने कहा कि पहले आप जो मसाले इस्तेमाल करते हैं, जो स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं इंडिया के, आप उनको आग लगाएं। बांग्लादेश को भारत ने बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस वक्त जायंट इंडिया पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। पाकिस्तान 0.29% पर है और बांग्लादेश तकरीबन 6% पर है। गुज़िश्ता 10 सालों से बांग्लादेश मुसलसल 6% के साथ अपनी मईशत को संभाले हुए है। लेकिन ये बड़ी एहसान फरामोशी होती है कि एक तरफ जो है आप उसी का पैसा खाते हैं और उसके बाद जो है आप उसी के बुराइयां करते हैं। तो शेख हसीना वाजिद की जो पॉलिटिक्स है दैट इज एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया, प्रो बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें शेख हसीना ने अपने ओपोनेंट्स को जो है ना वो उड़ा के रख दिया, क्योंकि उनके ओपोनेंट्स कैंपेन इंडिया आउट चला रहे थे। अब इंडिया आउट कैंपेन यानी ये कि बायकॉट किया जाए भारत की जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उस कैंपेन के ऊपर वो पहले जो है मालदीव्स में वो वाली कैंपेन चली है, और आपको पता है मालदीव्स और इंडिया के जो ताल्लुकात में रखना आया था या जो भी उनके रिलेशंस के हवाले से खबरें थी हम आप तक पहुंचाते रहे, तो मालदीव्स और इंडिया के उस झगड़े के बीच मालदीव्स की तरफ से इस तरह की कैंपेन चलाई गई। लेकिन बांग्लादेश के इलेक्शन में जो अपोजिशन है बांग्लादेश की, उसने ये हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो शेख हसीना ने उनको उड़ा के इस तरह रख दिया। शेख हसीना की ललकार ये थी कि अगर ये बायकॉट करना चाहते हो तो पहले तुम अपनी बीवियों की साड़ियां जलाओ, अगर तुम इंडिया के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करोगे तो तुम्हें अपनी बीवियों को जलाना पड़ेगा। उन्होंने यहां तक कहा बर्न योर वाइव्स साड़ीज, यानी जो साड़ियां वो पहनती हैं पहले वो कहां से आती हैं। फिर उन्होंने कहा कि पहले आप जो मसाले इस्तेमाल करते हैं, जो स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं इंडिया के, आप उनको आग लगाएं। शेख हसीना ने अपनी जो ऑपोजिशन है उसको उड़ा के रख दिया है और कहा है कि ये तुम कैसे कर सकते हो, यानी इंडिया का बायकॉट तुम कैसे कर सकते हो, उसकी प्रोडक्ट्स को तुम कैसे बंद कर सकते हो। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी जो बीवियां हैं, तुम्हारी हमारी जो खवातीन है बांग्लादेश की, वो साड़ी पहनती हैं और इंडियन प्रोडक्ट वो पहनती हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है इंडिया की जो है वो प्रोडक्ट्स आती हैं, जिसमें गारमेंट्स से लेकर और स्पाइस तक शामिल है। तो ये जो है ये एक देख रहे हैं हमें वहां पर खींचातानी जो कि इलेक्शन के दौरान, यानी इलेक्शन कैंपेन है बांग्लादेश की। हेलो आलिया, लव यू डियर, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया जो देख रहे हैं। तो जनाब इलेक्शन कैंपेन है बांग्लादेश की और बात किसकी की जा रही है, इंडिया की। तो हमें ये एक फेनोमेना ऐसा नजर आता है कि जिसमें कभी जो है वो सुपर पावर्स जिनकी बात की जाती थी, कहीं पर देखे ना पाकिस्तान में कैसे, वो आपको पता ही जो होता है पाकिस्तान में क्या होता है, कोई भी बात हो, कोई भी झगड़ा हो, उसमें ले आते हैं ये तो सारा किया धरा अमरीका का है, कुछ भी हो ना उनकी तरफ से, मतलब क्या कहें अब हम इसको, ये जो चूरन बेचा जाता है, कुछ भी हो तो यहूद और नसारा की साजिश होती है। अब देखें इंडिया जो है इट इज एवरीवेयर इन द रीजन, यानी कि एक वक्त होता था अमरीका फैक्टर यूज टू बी डिस्कस इन पॉलिटिक्स, जैसे पाकिस्तान में अमरीका डिस्कस होता है प्रो अमेरिका एंटी अमेरिका, बांग्लादेश के अंदर इट्स एंटी इंडिया प्रो इंडिया, ठीक है जनाब। और कंपेन चलाई बीएनपी ने कि जी इंडियन प्रोडक्ट्स का बैन करो, ठीक है। शेख हसीना वाजिद जो हैं उन्होंने कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, लेकिन अपनी जो इंडियन वो जो साड़ीज़ हैं जो उनकी बीवियां पहनती हैं उनके समेत जला दें सारा कुछ। दिस इज़ वॉट बींग रिपोर्टेड, जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं ये बड़ी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और बड़ी ऑफेंसिव चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7 जनवरी के इलेक्शन हुए थे उसके बाद ये एक इंडिया आउट कंपेन चली हुई है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैं बहुत देर पहले आपको कहता रहा कि बांग्लादेश को भारत ने
बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया है। मैं आज ही बयान पढ़ रहा था, अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं जो उबैदुल्ला कदीर साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से बहुत सारे जो ताकतवर मुल्क हैं उन्होंने बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, मेडलिंग नहीं की। और आपको पता है, मैं G20 में जब हुआ मैंने तब भी आपको कहा था कि जो शेख हसीना वाजिद और जो बाइडन के दरमियान नरेंद्र मोदी ने बर्फ को पिघलाया था, बिकॉज शेख हसीना वाजिद इज़ इन अ गुड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं चाहते थे कि अमेरिका इतनी टफ लाइन ले कि चाइना को स्पेस मिले। दैट वॉज सो सिंपल। इसमें इससे क्लियर लाइक ए ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल एक क्लैरिटी होनी चाहिए थी। अब ये जो बहुत सारे वो जिसे कहते हैं ना अपोजिशन, BNP ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया इज प्लेइंग वेरी क्रूशल रोल। और जिसे वो कहते हैं ना, अब जो ज़ियाउर रहमान है, ठीक है जी, BNP के, वो उसको कहती है कि जब ये सेक्टर कमांडर था लिबरेशन वॉर के दौरान और ये पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी उन्होंने जब अटैक किया बंगालीज के ऊपर, ये उनमें एक्चुअली इन्वॉल्व था। सो ये वो कहती है ज़ियाउर रहमान इज़ बेसिकली उस आर्मी का जो चट्टग्राम के में थी उसका इंचार्ज था। सो ये आप इमेजिन करें, इंडिया के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान फैक्टर भी नहीं मिटा। सो शेख हसीना वाजिद की जो पॉलिटिक्स है दैट इज एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया, प्रो बांग्लादेश, बट शी हैज क्रिएटेड दिस डिवाइड विद इन। सो वो कहती है ज़ियाउर रहमान भी इन्वॉल्व था, जमात इस्लामी भी इन्वॉल्व थी, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने जो है वो बचाया है और हम इंडिया के साथ खड़े हैं। दिस इज़ वॉट शी इज़ ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एंड से ऑल द टाइम। वो कहती है इंडियन प्रोडक्ट्स का ज़रूर बायकॉट करें, लेकिन पहले अपनी वो जो आपकी जो इंडियन साड़ी या जो उनकी बीवियों ने पहनी है ना, जो उनकी क्लोजेट्स में पड़ी हों, उनको आग लगाएं। और इवन के इस हद तक भी बात चली कि अब जो स्पाइसेस हैं वो भी खाना बंद करो। तुम क्यों इंडियन स्पाइसेस जो खा रहे हो? मैं इस हवाले से एक रिपोर्ट देख रहा था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जो स्पाइस ट्रेड है, ठीक है जी, आप ये समझ लें कि कोई इंडिया जो है वो लाखों हजारों टन जो स्पाइसेस हैं वो बेचता है बांग्लादेश को, और पर्टिकुलरली कब बेचता है? ड्यूरिंग ईद के दरमियान ये स्पाइसेस जो हैं 2022 में पता चला था, मैं एक पढ़ रहा था रिपोर्ट कि बांग्लादेश जो है 2022 में तकरीबन कोई 54 किस्म की जो स्पाइसेस हैं वो इंपोर्ट की थी। दैट मेड 50,000 टन्स ऑफ स्पाइसेस।